आगामी 1 मार्च को मुरादाबाद के रामगंगा विहार साई मंदिर के नजदीक नेहरू युवा केंद्र पर एक शाम खाटू वाले के नाम प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की तैयारी को लेकर मंगलवार को रामगंगा विहार फेज 2 में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खाटू श्याम के प्रेमियों द्वारा प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। मीडिया प्रभारी ओम गर्ग द्वारा बताया गया कि हम आगामी 1 मार्च को नेहरू युवा केंद्र रामगंगा विहार में एक शाम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका उमा लहरी पहुंच रही हैं। उनके द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि सभी धर्म प्रेमी इस कार्यक्रम में पहुंचे और धर्म लाभ कमाने का काम करें। एक खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा है 1 मार्च 2024 को नेहरू युवा केंद्र में हो रहा है, जिसमें हमारी बड़ी बहन आदरणीय उमा लहरी जी जयपुर से आ रही है। हम बाबा से अपील चाहेंगे ज्यादा से लोग आए, बाबा के दर्शन करें और भंडारे का भी यहाँ पे प्रबंध है। तो वहीं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भी अपनी अपनी बात रखी गई। अभी समस्त श्याम प्रेमियों को हमारा ये निवेदन है कि हमारा 1 मार्च के दिन 2024 को बाबा का एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारी जयपुर से उमा लहरी जी आ रही हैं और यहाँ पर हमारा एक दरबार बाबा का जो सजेगा, 24 क्विंटल फूल होते बाबा का भव्य दरबार हम सभी भक्त मिलकर अपने हाथों से तैयार करेंगे। और हमारी ये अपील है पूरी जनता से, समस्त श्याम प्रेमियों से भारी संख्या में इस कीर्तन में आकर इसको और भव्य बनाने की कोशिश करें। ये भजन संध्या हमारी श्री खाटू श्याम मित्र मंडल मुरादाबाद द्वारा आयोजित होती है, जो कि हर वर्ष हमारा मार्च में ये आयोजन होता है फागुन उत्सव में। ये हमारे मंडल का चतुर्थ वार्षिक उत्सव है, जिसमें कि आदरणीय जयपुर से उमा लहरी जी गायिका हैं, जो कि पहली बार मुरादाबाद आ रही हैं, जो कि आसपास के किसी क्षेत्र में अभी तक नहीं आई हैं। और अच्छे भजन इनके रहते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों को उपस्थित करा जा रहा है यहाँ पर, और भंडारे का आयोजन भी हम लोगों ने रखा हुआ है। जितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, हम उन लोगों से अनुरोध यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हर वर्ष के मुकाबले इस बार ज़्यादा लोगों की उम्मीद रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें। नेहरू युवा केंद्र साईं मंदिर के बराबर में। सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचें। कीर्तन आप सभी का है, किसी एक शख्स का नहीं है। शाम 6 बजे ज्योत प्रज्वलित होगी। इस मौके पर यह भी बताया गया कि हर वर्ष हमारी समिति ये कार्यक्रम आयोजित करती है और भंडारे का भी आयोजन होता है। सभी धर्म प्रेमियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई। इस अवसर पर सचित अग्रवाल, ओम गर्ग, विशाल गुप्ता, सीपी नारंग, उमा नारंग, राजदीप गोयल, देव सैनी, पुनीत अग्रवाल, श्वेता गुप्ता, डोली आदि मौजूद रहे।